पर नजर लगातार बनी रहेगी। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, ये खबर जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई। सूत्रों के मुताबिक ईडी का आज केजरीवाल की पुलिस कस्टडी की मांग नहीं करेगी, ईडी न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करेगी और राउस एवेन्यू कोर्ट में ये पेशी हुई। आपको बता दें तिहाड़ जेल में तैयारी शुरू की गई है। पेशी से पहले केजरीवाल ने कहा कि पीएम जो कर रहे हैं देश के लिए अच्छा नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई। आज अरविंद केजरीवाल की रिमांड खत्म हुई और उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन पहले से कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की पेशी के दौरान ईडी जो है वो रिमांड जो है वो और ज्यादा बढ़ाने की मांग करेगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ईडी ने न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग जो है वो ईडी यहाँ पर करेगी। राउस एवेन्यू कोर्ट में ये पेशी और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को ले जाते वक्त कि ये तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ जब न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग ईडी द्वारा की जानी है तो तिहाड़ जेल में तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि उससे पहले जब पेशी पर ले जाया जा रहा था तो उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। और इससे पहले कल इंडिया गठबंधन की तरफ से जो महारैली दिल्ली में निकाली गई रामलीला मैदान में, उनमें तस्वीरें हमने देखी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर कहती हुई नजर आई कि अरविंद केजरीवाल शेर है, उन्हें ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रख पाएंगे। साथ ही तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने भी इसका विरोध किया। और अब अरविंद केजरीवाल ने भी पेशी से पहले कहा कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ इंतजार कि राउस एवेन्यू कोर्ट में यहां पर पेशी और उसके बाद क्या कुछ कोर्ट की तरफ से आदेश यहां पर दिया जाएगा। और साथ ही राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर हमारे संवाददाता प्रमोद जुड़े हुए हैं, क्या कुछ वो कोर्ट की परमिशन से दोबारा से कस्टडी में ले सकते हैं, तो इसीलिए चार दिन को जाया नहीं करना चाहती है ईडी, और इसीलिए फिलहाल जो है अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजने की मांग ईडी ने करी है। और ये बात साफ तौर पर जो एसजी राजू है उन्होंने कोर्ट को बताई है कि ये सारी जानकारी